السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد محترم سامعين ومحترم ناظرين تكبر غرور غمد فخر کیا كيس کس تكبر गुरूर, घमंड फख्र करना ये इंसानी सिफत नहीं है इंसान को इस काम से बचना चाहिए तकबर करना ये अल्लाह रबुलमीन की सिफत है और इसी से उसका नाम अलमुतकबर करने वाला इसके बरखिलाफ अगर कोई इंसान तकबर करता है तो गोया कि वो इबलीस के रास्ते पर जा रहा है फ्राउन के रास्ते पर जा रहा है इसलिए कि हज़रत आदम सलाम के सजदे से इनकार इबलीस ने सिर्फ तकबर की बुनियाद पर किया था अल्लाह फरमाता है अबा वस्तख बारा वक़ान अमीन अलकाफरीन कि इबलीस ने इनकार कर दिया और उसने तकबर से काम लिया और काफिरों में से हो गया फिर कहता था अना रब को मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ हा दिल अनहार तजरी मिनतहती ये नहरें जो मेरे महल के नीचे से जारी हैं मैं मैं के मुबतला था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तकबुर ये इंसान के लिए मुनासिब नहीं है तकबर करने वाला अल्लाह रब्लम को पसंद नहीं है इन अलाब्ब ला मनकाना मुख्तन फ़खूरा अल्लाह तकबर करने वालों को फख्र गुरूर और घमंड करने वालों को पसंद नहीं किया करता इसीलिए एक हदीसी खुदसी के अंदर अल्लाह रब्लम कहता है अल्किब्रिया उदाई वालाजमतारी तकबर मेरी चादर है और आजमत बड़कपन मेरा तहबंद है जानी मिन हुमा जो शख्स भी जो इंसान भी जो मखलूक भी इन दोनों चीज़ों में से यानी तकबर और बड़कपन अजमत में से कोई एक चीज भी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो फिनार अल्लाह फरमाते हैं मैं ऐसे बंदे को जहन्नम में डाल दूंगा मेरे भाई और बुजुर्गों मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीस के अंदर फरमाया लयत खुल्नतम खान वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी गुरूर और घमंड होगा बहुत बुरी चीज है कबीरा गुनाह अल्लाह रबालमीन को यह चीज पसंद नहीं है उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तकबुर में गुरूर में घमंड में मुबतला है मैं ऐसे चंद लोगों का तस्करा आपके सामने करता हूं कि बाद इंसानों के अंदर तकबर की निशानी पाई जाती है और उसको लगता है कि नहीं मैं तकबर नहीं कर रहा हूं गुरू और घमंड नहीं कर रहा हूं पहली निशानी यह है कि हक आ जाने के बाद उसका इनकार कर देना बहुत सारे लोग हैं देखें हक जानते हैं हक समझते हैं उनके पास दीन की सही बात आ गई लेकिन उसके बावजूद भी वो हक को कबूल नहीं करते हक पर अमल नहीं करते हैं ऐसे लोग मुतकबर हैं ऐसे लोग तकबर करने वाले हैं ऐसे लोग गोया की अल्लाह अल्लाबालमीन के मकाम पर खुद को कर रहे हैं कि हक आ गया उसके बावजूद भी वो हक़ को कबूल नहीं करते हक पर ईमान नहीं लाते हैं और ऐसे लोगों को अल्लाह रबालमीन पसंद नहीं करता एक और निशानी जो इंसानों में मौजूद है वो ये कि दूसरों को हकीर और मामूली समझना आज हम देखें ना किसी का कपड़ा देख कर किसी का घर देख कर किसी की गाड़ी देख कर किसी की झोपड़पट्टी देख कर किसी का लिबास देख कर किसी का कुछ देख कर हम उसे हकीर समझते हैं मामूली समझते हैं घटिया समझते हैं कि तो बहुत बुरा है। उसका जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए आप उसको लान तान करते हैं बुरा भला कहते कहां से आ गया किधर से आ गया बुरा भला कहते हैं आपको नहीं मालूम कि उस बंदे का कितना बड़ा मकाम अल्लाह के नजदीक है आपको नहीं मालूम कि हो सकता है वो बंदा मुस्तवदावात हो वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले क्यों दूसरों को हकीर आप समझते हैं क्यों दूसरों को मामूली आप समझते हैं किस बुनियाद पर आप दूसरों को घटिया और कमतर समझ रहे हैं प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया था बेहसबिम्रा खा मुस्लिम आदमी के बुरा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो अपने दूसरे भाई को बुरा समझे गलत समझे उसे हकीब समझे अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे हैं इन मिन मन लव अक्सम अल्लाह ही लाबर्राह हम जिन्हें मामूली घटिया और हकीर समझ रहे हैं उन्हीं बंदों में अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि अगर वो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह उनकी लाज रखता है और उनकी कसम को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कर दिया करता है दूसरों को हकीर ना समझें मामूली ना समझें कमतर और घटिया तस्लीम ना करें बल्कि आपके जैसे इंसान वो भी हैं उन्हें भी इंसान समझें उन्हें भी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है एक और निशानी जो हमारे यहां पाई जाती है इंसानों में और वो ये है कि गलती गलती जाहिर होने के बाद भी, गलती जान लेने के बाद बाद भी भी जान लेने उससे रुजू ना करना उस गलती को छोड़ ना देना देखें आज किसी को बता दिया जाए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं बंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं किसी को बता दिया जाए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं कहता है, जाओ जाओ अपना काम करो हम अपना देख लेंगे गलती से रुझू नहीं कर रहा है यह भी तकबर की निशानी है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स उल्टे हाथ से लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा था प्यारे नबी ने फरमाया कुल भी अमीनिक अल्लाह के बंदे दाहिने हाथ से खाना खा राइट हैंड से कहा उसने फरमाया उसने कहा ला तेर मैं दाहिने हाथ से खा नहीं सकता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी ये बात बुरी लगी आपने फरमाया लस्तता था कि जैसा तू कह रहा है वाकई में तेरा हाथ वैसा हो जाए यानी इस्तेमाल के काबिल ना बचे रावी क्या कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने ज़ुमला कहने के बाद फरमाया मा मनाहु ऐसा उसने सिर्फ तकबर और गुरूर और घमंड की वजह से किया है और कहा है कि मेरा दाहिना हाथ में उठा नहीं सकता इसकी ताकत नहीं रखता उसके बाद रावी कहते हैं जिंदगी भर प्यारे नबी के उस जुमले के बाद उस बंदे का हाथ सीधा हाथ दाहिना हाथ उसके मुंह तक कभी भी नहीं उठा तकबुर की सजा दुनिया में भी मिलती है तकबर की सज़ा अल्लाह आखिरत में भी देने वाला है तकबर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारून का तस्करा किया कि कारनून तकब्बर के गुरूर और घमंड के साथ अपने इलाके में बस्ती में निकलता था खजानों के साथ ताकि लोग उसकी शान व शौकत देखें अल्लाह को उसकी यादा पसंद नहीं आई अल्लाह ने उसे ज़िंदा ज़मीन में धंसा दिया और क़्यामत तक वो ज़मीन में धंसता चला जाएगा मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों गुरूर घमंड तकब्बुर फ़ख्र से तोबा करें इस गलत अमल को छोड़ दें ये अल्लाह की सिफत है अल्लाह का खादसा है अल्लाह रबीन की दखल अंदाजी करेंगे अल्लाह आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देगा और घमंड किस बात का गुरूर किस बात का थकब्बर किस बात का बंगले का आपके साथ नहीं जाता घमंड किस बात का पैसे का माल का बैंक बैलेंस का आपके साथ नहीं जाने वाला गुरूर थकबर किस बात का औलाद की ज्यादती का किसी काम नहीं आने वाली तकबर किस बात का सेहत का ताकत का पावरफुल होने का इंसान मिनटों में लम्हों में बीमार हो जाता है और सारी ताकत सारी सेहत सारी तवानाई उसकी ख़त्म हो जाती है इसलिए तकबुर से काम ना लें अपने आप को गुरूर घमंड और इसी तरीके से फ़ख्र से बचाएँ अल्लाह आलमीन ने जैसा आपको बनाया है इंसान बनाया है इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारें आपकी ये ज़िंदगी भी सलामत रहेगी आखिरत भी सलामत रहेगी तो खासारी इख्तियार करें डाउन टू अर्थ बन जाएँ हम्बल बने शरीफ बने इंसान बने अल्लाह रब्बुल हरब्आलमिन से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको तकब्बर गुरूर घमंड और इन जैसे दूसरे बड़े गुनाहों से छोटे गुनाहों से बचने की और तोज़ु और ख़्कसारी इख्तियार करने की तोफ़ी ख़दा फरमाए आमीन अलैहि नबील करीम रबना तकब्बल मना इकान तसमीआ वसलम वरहि वबरक